हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर संतोष सर, एंड टुडे आई प्रेजेंट विद द न्यू वीडियो ऑफ राइटिंग लेटर। डियर स्टूडेंट, इन योर माइंड यू हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन यू राइट द लेटर ऑफ एप्लीकेशन। सो दिस इज our video about what is letter, how writing a letter, and what type of letters are there. So student, firstly we know about what is letter. So a letter is a conversation through writing or typed words. It means letter is a type of conversation through words. वर्ड्स के थ्रू हम लोग जो है क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। एंड द मेन पर्पस ऑफ अ लेटर इज टू कन्वे अ मैसेज। इट मींस द मेन पर्पस ऑफ लेटर टू कन्वे एनी मैसेज टू द अनदर पर्सन। मतलब लेटर जो है मैसेज को कन्वे करने के लिए, सेंड करने के लिए दूसरे के पास भेजा जाता है। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट। इट मीन लेटर राइटिंग, लेटर को राइट करना एक तरह का आर्ट है, एक तरह की कला है। इट नॉट ओनली हैज अ पर्सनल टच बट ऑल्सो हैज इम्प्रिंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द राइटर। इट मीन्स द पर्सन who write the letter, it is his personal touch also in it। वो अपने personal touch को भी जो है उस letter में write करता है। And it is also reflection of the personality of the writer। मतलब जो letters होता है उसमें जो letter को write करता है उसकी पर्सनालिटी भी जो है उसमें दिखती है। इट डिपेंड ऑन द राइटर एज टू हाउ इफेक्टिवली द मैसेज इज कन्वेड, एंड इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द राइटर टू हाउ ही कन्वे द मैसेज टू द रीडर। इट मीन्स वह राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वह मैसेज को इफेक्टिवली रीडर्स के पास पहुंचाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट लेटर। एंड हियर लेटर इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड टाइप इज इनफॉर्मल लेटर। सो स्टूडेंट, फॉर्मल लेटर इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन टू योर सीनियर ऑफिसर, एप्लीकेशन टू द एडिटर चीफ ऑफ न्यूज़पेपर्स, दिस इज अ फॉर्मल लेटर टू विच वी सेंड द लेटर। ओके, एंड सेकेंड टाइप इज इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर इज अ लेटर दैट वी send the letter to the our parents, friends or relative. So student, after that we discuss about the formal letter. Okay student, thanks. ठीक है, ठीक है, welcome back. Now we discuss about the formal letter. And previous, I will also tell you that the application is the also type of formal letter. Okay, here is the application to the principal seeking transfer certificate for taking admission in new school. It means here a student is writing an application to the principal for issuing
or transfer certificate. So student, first of all we write the principal, and here is the name of the school, Devaniya Senior Secondary School, Devaniya. Okay student, and here first we write date. जब जिस डेट को हम एप्लीकेशन सेंड करते हैं उस दिन का डेट यहाँ पे राइट करते हैं, 1 फरवरी 2021. एंड हियर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस टू विच इशू वी राइट एन एप्लीकेशन, किस इशू पे हम लोग जो है एप्लीकेशन को राइट कर रहे हैं. हियर सब्जेक्ट इज रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मीन्स ये जो स्टूडेंट है अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, प्रिंसिपल. सो एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी राइट रिस्पेक्टेड मैन, व्हेन देयर इज अ मैन प्रिंसिपल मेल पर्सन देयरफॉर यू राइट सर. But in your school, man is the principal, so we write respected man. Okay, student. And from here, we start writing. First of all, we write with due respect. I would like to inform you that my father has been transferred to Lucknow. It means here, student says that his father transferred. From Devaniya to Lucknow, and within a week my family and I would be relocating to the new place. And the student, the boy also said that within a week he would go to a new place. Okay, since I would be applying for admission in a new school, and here the boy also said that there he would apply to a new school. Means जब उसके फादर का वहां ट्रांसफर हो गया है तो उसको जो है एक नए स्कूल में एडमिशन लेना होगा. Then I would require a transfer certificate, and for admission the student or boy require a transfer certificate. उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी. एंड आफ्टर यू फिनिश एट लास्ट टाइम यू राइट देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मींस हियर द स्टूडेंट आल्सो रिक्वेस्ट टू इशू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट. एंड हियर यू राइट yours obediently. Okay, and after you write yours obediently, you write your name. Just I imagine Asima Mamuli, class 6A. Okay student, so here is the format of formal letter. And if you want a lead, you should also follow same format. And I hope you understand what is the correct format of writing formal letters. And I hope you, in future, you also write this type of application to the principal. Okay, thanks. And welcome back. Now we discuss about informal letters. Dear student, in previous I told you that what is informal letter. Informal letter is the letter which we write to our friends, to our parents, to our relatives. So here is the a format of informal letter, that here write a letter to your uncle for precious birthday gift. It means boy write a letter to his uncle for precious birthday gift. It
लड़का जो है अपने अंकल के पास एक प्रीशियस बर्थडे गिफ्ट जो उसको अंकल ने प्रोवाइड किया है उसके लिए वो लेटर लिख रहा है। सो स्टूडेंट फ्रॉम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एड्रेस बट वी एक्चुअल नॉट राइट एड्रेस हियर फ्रॉम एड्रेस वी स्टार्ट राइट ओके हियर A45 न्यू कॉलोनी देवरिया हियर इज द एड्रेस ऑफ सेंडर जो लेटर को जो है सेंड कर रहा है जो लेटर को राइट कर रहा है उसका एड्रेस है एंड हियर डेट इज February 1, 2021 ओके एंड आफ्टर दिस वी राइट माय डियर अंकल मींस टू हूम वी राइट द लेटर वी एड्रेस देम सो हियर माय डियर अंकल एंड फ्रॉम हियर वी स्टार्ट राइटिंग यहां से हम लोग जो है लिखना स्टार्ट करते हैं तो हियर आई रिसीव योर लेटर एंड गिफ्ट पार्सल स्टडी विच यू सेंड मी ऑन माई बर्थडे इट मीन्स द राइटर राइट दैट ही रिसीव द गिफ्ट ऑन स्टडी which you sent me on my birthday and after that I got many gifts from my friends and but yours is the best of here the writer said that I have received lot of gifts from my friends but your gift is best of this मैंने बहुत से गिफ्ट अपने फ्रेंड से मिले हैं बट जो आपका गिफ्ट है वह सबसे बेस्ट है सबसे अच्छा है इट इज अ रेस्ट वॉच और वो गिफ्ट क्या है रेस्ट वॉच है मीन्स कलाई की घड़ी है इट विल मेक मी पंक्चुअल एंड हियर द राइटर सेड दैट दिस रेस्ट वॉच मेक हिम पंक्चुअल मतलब वह अपने काम को जो है समय से कर लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट वॉच इट विल रिमाइंड मी द वैल्यू ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट राइटर सेड दैट द रेस्ट वॉच रिमाइंड्स हिम द वैल्यू ऑफ टाइम मींस जो रेस्ट वॉच है वह टाइम की वैल्यू को हमें बताती है आई थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट And here, writer said that he once again thanks for the this gift. What is gift के लिए वो फिर से thanks बोलना चाहता है. Please convey my regards to dear means मेरी कृतज्ञता मेरे regards को जो है aunts तक भी पहुंचाएगा. And here, yours affectionately. And here. You should write your name, means the writer write his name on at last. And after finishing this, you conclude your letter. And I hope you understand the format of informal letter. And in this way, you can write a good letter. Your parents, your uncle, your friends also. And I hope you understand these things very clearly. Thanks. Have a nice day.